अब आ रहे हैं कॉमेडी के बादशाह वन एंड ओनली पप्पू भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो भाई सीन है, आज का बड़ा अच्छा सीन है, आज का जो सीन है वो ये सीन है, आज के जो व्लॉग में वो भरपूर इंटरटेनमेंट, तफरी, शेर व शायरी, कॉमेडी से भरपूर का आज का व्लॉग है। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई, चलते हैं। आज का जो व्लॉग होगा बड़ा देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और भाई जिसने से चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो की तरफ चलते हैं आगे। भाई दोस्तों का मौजूद है कैफे होटल पे और कॉमेडी शायरी वगैरह करने के लिए आ गए, हमारे साथ मौजूद हैं राशिद भाई। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं काशन भाई। और अब आ रहे हैं कॉमेडी के बादशाह वन एंड ओनली पप्पू भाई। तो भाई पप्पू भाई आ रहे हैं सामने से। पप्पू भाई ये हमारे हैं पप्पू भाई, जो शेरों के शायर हैं भाई, और शेरों शायरी करने के लिए आ चुके हैं। पता कहा है चार तांबू की होती है? नहीं, जैसे भी वो जे डी में पांच तांबू वाला गाय, वो तो अल्लाह की शान है। उसमें कुर्बानी होगा नहीं होगा ये बताओ? कुर्बानी होगी ना, क्यों नहीं होगी पप्पू भाई? होगी। अच्छा कमेंट में बताओ कुर्बानी होगी ना, चार पाँच टांग वाली कुर्बानी के लिए होती है तो गुजरात की अलग ही तरह की बांधी। चार टांगे जाएंगी कुर्बानी के टाइम पे, चार टांगे बांधे तो पाँचवीं टांग भी बांधेंगे, वो कसाई के होती है। पकड़ेंगे नहीं कसाई के किसके लिए? बहुत पैसा मांगता कसाई, जरा गाय काटने के 25,000 रुपये मांग रहा है आराम का भाई। वो 25,000 मांगे 20,000 मांगे, एक टांग उसकी जब यहाँ से आती होगी टांग कैसे मारी, वो तो हिल रही है पहले जैसे तुम्हारी हिलती है, समझ रहे ना भाई? घूम हिलती है, घूम नहीं लगती, गाय की पिछाड़ी लगती है अगाड़ी नहीं। अच्छा साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल अपनी गर्दी बताएं, मैं सही कह रहा हूँ तो गाय पिछाड़ी मारती है अगाड़ी मारती है? इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता क्या बात है। इसका मतलब आप बंडल ला दो कुर्बानी या कुर्बानी के लिए अगर हम गायें ला रहे हैं तो पैसे वाले मुझे हम चारों, जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि चारों टांगे बांधेंगे तो चारों टांगे बांधे, जब जब कल्ला फूटता है तो वो फिर तड़प जो है ना उसकी रस्सियाँ तोड़ देती है और वो मुँह पर भी लगती है या सीने पर लगती है। तो मेरे को एक बात हमेशा याद रखना, कुर्बानी करो अपनी नहीं जानवर की, कुर्बानी फर्ज है इन देशों के लिए। तो तुम मेरे को कसाई ज़्यादा लग रहा हो और कॉमेडियन कम लग रहा है। मैंने ज़्यादा कॉमेडियन कम, मैंने खाया काश्याम के यहाँ गाय का गोश्त, राशि के यहाँ खाया मैंने कढ़ाई, और अली के यहाँ मैं खाऊँगा बिफ बिरयानी मसाले वाली दिल्ली की, अगर दिल्ली की नहीं मैं थप्पड़ मारूँगा। भाई शेर शायरी वगैरह चल रही थी और थोड़ा टी टाइम का वक्त हो गया, टी चाय वगैरह चल रही है। भाई है काजल भाई है पप्पू भाई हैं, चाय वगैरह चल रही है। पप्पू भाई चाय पीते हुए कोई हो जाए शेर शायरी हो जाए चाय पीते हुए। नी नाची बारह मार्केट नर्स एक्ल अजवा होटल पे, और हम पी रहे हैं ज़बरदस्त चाय कड़क मलाई मार के। और जब जिसको पीनी हो आ जाए और अपने जेब से खर्चा करो चाय। मलाई किसकी है? मलाई ऊँट की दूध, ऊँट की दूध सही है। पप्पू भाई गाना कौन सा गा रहे थे अभी? सर्दी में जब पियोगे यार पड़ जाओगे, गर्मी में पियोगे पिघल जाओगे। ये चाय है वो कोल्ड ड्रिंक पे बोल, ये चाय के ऊपर बोल रहे थे। ऐसी बातें नहीं क्या करूँ, कोल्ड ड्रिंक ही नहीं होगी आप दे रहे हैं, किसी को मुफ्ता लगाना है। ये तो मैं मुफ्ते की चाय पी रहा हूँ भाई, और अपने पूरे तमाम ग्रुप को अपने ग्रुप को फोन करना चाह रहा हूँ कि आ जाए सर जी, अनवर शाह, एजाज, शकील भाई और अपना निशान भाई, अगर चाय पीनी अपनी जब तक पिए आके हम घर जा रहे हैं, आप आगे पीते रहिएगा अल्लाह। तो भाई घर आ चुके हैं इस टाइम, और थोड़ा सा जो है वीडियो बनाते हुए इशू आ रहे थे, थोड़ा वॉइस का मसला आ रहा था, पीछे से शोर वगैरह बहुत आ रहा था,
माइक वगैरह मैं ले जाना भूल गया था, क्योंकि हमने आउटडोर वगैरह के लिए माइक वगैरह लिए हैं मैंने अभी, ताकि उसमें जो है हवा की बाइक की वो शोर वगैरह की आवाज़ उसमें वगैरह नहीं आया। माइक वगैरह लिए थे पर मैं भूल गया ले जाना, दूर चले गए थे थोड़ा, तो वापसी घर वापसी रिटर्न आने का भी नहीं था, तो थोड़ा सा इसलिए वीडियो में थोड़ा सा इशू भी आ रहा था, शायद आप लोग को सही आवाज़ वगैरह भी नहीं आ रही हो। तो ये इसका पार्ट कॉमेडी पार्ट इसका जो है सेकंड में दोबारा जल्दी अपलोड करूँगा नया, इंशाल्लाह जल्दी बनाऊँगा, ताकि आप लोग को मज़ा भी आए कॉमेडी सुनने में, शेर व शायरी सुनने में भी मज़ा आए। तो बस आज के लिए इतना ही।